अपना केक हो गया रेडी 100 सब्सक्राइबर के साथ सेठ जी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग अभी झांसी में, मैंने पहले ही ब्लॉग में अभी इसके पहले आ जाएगा, तो आज अपन लोग केक बनवाएंगे जो कि मेरे YouTube पे 100 सब्सक्राइबर हो गए, जो कि बहुत सही बात है। तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे भी। और केक अपन बन्नों से बनवाएंगे, जो कि अपन पहले मोमोज वाले ब्लॉग में मिले थे जो कि बेकर हैं, तो अभी झांसी में ही है तो उनसे ही बनवाएंगे अभी अपन। तो यूट्यूब का केक बनवाएंगे और मेनली अपन दिखाएंगे कि केक बनता कैसे और सारी, मतलब जो बेकरी में अच्छे से होता, ये होममेड केक है सबसे अच्छी चीज़। तो और दीदी का ऑर्डर्स भी जाते तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि केक की मेन ऑथेंटिक, मतलब जो होममेड केक होता है ना, लोग बाहर केमिकल्स या किसी चीज़ का यूज़ करते, या हम सब दिखाएंगे आपको कि पूरा कैसे बनता और केक बनता हुआ। अभी आज अपन बनवा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक, ठीक है? तो ब्लैक फॉरेस्ट का पूरा अपन दिखाएंगे अच्छे से। तो चलो अब दीदी से बात करते हैं केक कैसे बनेगा। हेलो गाइस, सो आज हम लोग बनाएंगे हाफ केजी का केक। ओके, ऑलरेडी मैंने बना दिया है, ये एक्चुअली लेट उठा, अभी मैंने डीमोल्ड नहीं किया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके, मैं दिखाऊंगी जब डीमोल्ड कर। तो मैं आपको बताती हूँ मैदा वाला केक सिंपली कैसे बनता है। ओके, मैंने ये, मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं एंड इन मेजरिंग कप्स से केक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेजर। अगर मेजरमेंट गलत हो जाएगा आपका तो बेस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसका स्पेशली आप ध्यान दें। तो मैं आपको इन मेजरिंग कप से बताती हूँ, अगर जिसके पास नहीं भी है तो वो एक कोई कटोरी ले ले, उस साइज से आप मतलब मेजर कर लें क्या है उसका, मतलब है दूध कितना लेना है, मैदा कितनी लेनी है। ओके, तो मैं आपको हाफ केजी का मेजरमेंट बता रही हूँ। आपको लेना है वन कप प्लस वन फोर्थ कप मैदा। ओके, ये आप देख सकते हो ये 1 कप है इतनी मैदा और ये 1/4 है कप मैदा, मतलब टोटल लेना है अपन को 1 और प्लस 1/4, तो ये अपना हो गया 4 5/4। ओके, ठीक है, ये आपको मैदा लेना है, इतना मैदा लेनी है। देन आपको लेना है हाफ कप शुगर। क्या लेनी है? हाफ कप शुगर, वो भी पिसी हुई शुगर, जैसे कि अगर जिसके पास नहीं कास्टर शुगर होती है, ये दाने वाली शुगर, उसको मिक्सी में पीस ले, सिंपल वो बन जाएगी, बिल्कुल मैदा सी बन जाएगी, वो बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, वो लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है 2/3 कप मिल्क, 2/3 कप मिल्क, वो भी ल्यूक वॉर्म, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आपको ये है छोटी वाली स्पून्स। ओके, इनका 1 टेबल स्पून आपको लेना है बटर, घी और आप ऑयल भी ले सकते हैं रिफाइंड, कोई भी इन तीनों में एक ले, इन तीनों में से एक लेना। हाँ, कोई भी एक चीज़ लेना है, बटर ले सकते हैं, बटर मेल्टेड, घी ले, अमूल वाला बटर यूज कर सकते हैं, बट मेल्ट हो, मेल्ट, ठीक है, मेल्टेड। और आप बस कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल ना लें, जैसे कि रिफाइंड में भी फ्लेवर्स आते हैं, मूंगफली का तेल, ये सारी चीज ना लें तो उससे टेस्ट खराब हो जाएगा। और ये है हाफ टेबल स्पून, ये लेना है सोडा। कितना सोडा? ठीक है, हाफ टेबल स्पून सोडा लेना है। और बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून लेनी थी। हाफ कम लेना, हमेशा बेकिंग पाउडर से सोडा हाफ ही लेना, बिकॉज अगर सोडा डाल देंगे तो कड़वापन ज्यादा आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सोडा, ठीक है, ओके। मिल्क पाउडर का मैंने 2/3 मिल्क पाउडर भी डालना है उसमें, ठीक है, ठीक है, मिल्क भी डालना है और मिल्क पाउडर दोनों डालनी है, ठीक है। ये मैंने बताया है वनीला का स्पॉन्ज और वनीला एसेंस भी डालना। हाँ, वनीला एसेंस, मतलब जो बनाना वो वाला एसेंस डालना होगा। और अगर आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताई है, ये वनीला स्पॉन्ज भी बताई है, सिंपली अगर आपको चॉकलेट का स्पॉन्ज बनाना है तो जो मैंने मैदा बताई थी 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा बताई थी, ये 1/4 कप आप कोको पाउडर से रिप्लेस कर देंगे मैदा को, ठीक है, तो सिंपल आपका वो वाला। तो अभी आज आपने मतलब 1/4 कप कोको पाउडर डाला होगा। हाँ, 1/4 कप कोको पाउडर डाला है, ठीक है। और ये जो स्पॉन्ज है, ये मैंने मैदा वाला बताया है, मोस्टली लोग आजकल प्रीमिक्स का यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा उसका भी बन जाता है, आप प्रीमिक्स भी मार्केट से ले सकते हो, उसका भी मेजरमेंट होता है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी।
ये मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद आपको मैं टेम्परेचर बता देती हूँ, ओटीजी का टेम्परेचर एंड जो लोग कढ़ाई में बनाना चाहते हैं केक उसका भी बता देती हूँ। पहले ओटीजी का, ओटीजी में अगर आप लोगे तो प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कढ़ाई लो या फिर आप ओटीजी में बनाते हो। तो प्री हीट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के लिए आप उसको ओटीजी को प्री हीट करोगे, हाँ उसको ऑन करके 180 डिग्री। देन 10 मिनट हो जाने के बाद आप अपने इसमें अपना बैटर डालिए, मतलब ये है 6 इंची का, ये 10 है, इसमें आप अपना बैटर डालिए, ये 6 इंची का है, हाफ के जी, हाफ के जी, हाँ बिल्कुल आपका परफेक्ट मेजर आएगा। उसको फिर आप रख देंगे 30-40 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस, पहले आपको 180 डिग्री में रखना है, फिर 160, जिससे 160 इसलिए कर देते हैं जिससे ये जो ऊपर ये केक में कोई कोई बेस में डोम आ जाता है ऊपर उठ के, तो बहुत प्रॉब्लम होती है वो क्रीम लगाने में, तो आपको काटना पड़ेगा। देखो ये देखो फ्लैट है बिल्कुल, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस चीज के लिए। ये मैंने बता दी ओटीजी की। अब नाउ अगर आपको कढ़ाई में बनाना है, सिंपल कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। और पहले आप लोग वो डालते थे नमक और बालू वाल, अब कुछ मत डालिए, नॉर्मल स्टैंड रखिए उसमें। और आप अपना पहले उसको भी प्री हीट करना है थोड़ा सा सिम से ज्यादा, मतलब थोड़ी सी मीडियम और सिम के बीच की, हाँ ठीक है, उसको भी 10 मिनट प्री हीट करना है। जब तक आप अपना बैटर तैयार करेंगे 10 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। देन आपको सिम कर देना है, बिल्कुल सिम पे आपको 30-40 मिनट रखना है। एक बार 30 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिए आपका बेस पक्का, 20 से करिएगा, पक्का नहीं हुआ 20 मिनट से पहले आप अपने बेस को खोल कर भी मत देखिए। अगर आपने देखा तो जो 20 मिनट के बाद ये बीच से पकना स्टार्ट होता है, अगर आपने उसको खोल दिया ना तो बीच का पार्ट आपका पूरा खराब हो जाएगा। चल 20 मिनट तक तो आप खोल के ही मत देखिए, उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। और इसकी गैस कितनी रहेगी, मतलब सिम? हाँ सिम रहेगी, इसकी सिम रहेगी, ठीक है, नॉर्मल रहेगा। ये आपका बेस है ना, जब आपका बेस बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, डीमोल्ड कर लो उस बेस को, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्रीम यूज करनी है। ये बेस्ट क्रीम है ट्रोकोलाइट की, आप लोग यही यूज करें घर पर, इससे काफी अच्छी मतलब कंसिस्टेंसी आती है क्रीम की। और ये है बीटर, आप बीटर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मेरा तो स्कारलेट का है। तो आप इसको हमेशा क्रीम को सबसे स्लो, मतलब 1, इसमें मेरे में 7 तक की स्पीड है। तो 1 पे स्टार्ट करके और मतलब जो अपन ये सारा जब ये मोल्ड के लिए बनाएंगे, हाँ, तो इसको कितनी देर बीट करना होगा? उसको बीट आप सिंपली एक बार 1 की स्पीड लो, 2 मिनट के लिए बस बीट कर, फिर उसके बाद जब आप उसमें ऑयल, मतलब वो टेक्सचर कैसा बन जाए, मतलब अगर किसी का बीटर नहीं है तो चम्मच से कंसिस्टेंसी, अच्छा मतलब हाँ अगर आप ऐसे करो बहे ना, हाँ वो ऊपर ऐसे ऐसे होता रहे, ठीक है ठीक है, हाँ ओके, आपका इससे ऐसे धीमे धीमे कर, हाँ ठीक है, मतलब वो कंसिस्टेंसी लानी है, ठीक है। और ये क्रीम आप यूज करिएगा, और हाफ के जी के लिए अगर आप केक बना रहे हो तो ये 1 कप क्रीम लीजिए, मतलब आपका। और फिर डिजाइनिंग करनी है तो थोड़ी ज्यादा ले लो, अगर आपको ज्यादा डिजाइनिंग है उसी अकॉर्डिंगली ले लीजिए। बस सिंपल आपको क्रीम बीट करके रखना है, उसके बाद आपको लगा क्रीम बीट, मतलब अभी ये कितनी देर में ठंडा हो, ये 1 घंटा लग जाएगा इसको ठंडा, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा ठंडा करना है। गरम बेस को काटा भी, इसमें भी लेयर्स करके, देखो मैं शायद थोड़ा सा ठंडा हुआ, मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती, डीमोल्ड करके अभी देखते हैं। मैंने इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा इसको नाइफ से निकाल लिया था, जिससे ये ठीक रहता है ना, ओके, इसको डीमोल्ड करके देखते हैं। ये देखिए क्या बात है, बिल्कुल परफेक्टली। बटर पेपर आप लगा सकते हैं इसमें, ये नहीं तो घी लगा के, क्या बात है, ये देखो मतलब हम तो यही खा सकते हैं भाई, ब्राउनी लग रही है पूरी, क्या स्पंजी देख, इतना मस्त लग रहा है यार भाई। अब इसको ठंडा होने दीजिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको क्रीम का दिखाती हूँ, क्रीम कैसे कोट करना है, क्रम कोटिंग वगैरह, ठीक है। चलो ठीक है, अब मतलब अभी अपन 1 घंटे बाद मिलेंगे, चलो।